आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श। इससे पहले मैं BNMU परिवार को मुझ पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, डेविड जी का शुक्रिया। और BNMU के PRO उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। जो हमारा विषय है वो है हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श। मुझे एक दो दिन पहले ही डेविड जी ने कांटेक्ट किया था। बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, जैसा कि फेसबुक लाइव पे बड़े लोग आके बताते हैं, उस तरह की मेरी कोई खास तैयारी नहीं है। लेकिन साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, स्त्री विमर्श वगैरह से परिचय रहा ही है, और स्त्री विमर्श ही मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हूँ, तो मुझे लगा कि स्त्री विमर्श पे आप लोगों से बात की जाए। और ख़ासकर जिस समाज से हम उठ के आए हुए हैं, जिस समाज से खगड़िया जैसे जगह या मधेपुरा या पूर्णिया, जिस समाज से बाहर में गई, पहले तो मैं इसी समाज में थी, अभी भी इसी समाज में हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर गई तो वहाँ का जो माहौल मैंने देखा और यहाँ का जो माहौल था, दोनों में मुझे बहुत अंतर लगा। और उस अंतर वो जो भी अनुभव मुझे मिला, 10-12 साल मैं दिल्ली में रही, JNU से मेरी पढ़ाई हुई है, उसके बाद मैं मिजोरम विश्वविद्यालय में हिंदी अधिकारी थी, अभी पिछले साल ही पूर्णिया विश्वविद्यालय ज्वाइन की। तो मैं जहाँ जहाँ भी रही अभी तक, खगड़िया छोड़ के या दोनों जगह बहुत ही स्त्रियों के मामले में बहुत ही प्रोग्रेसिव है। एक तरह ये कि कोई स्त्री चाहेगी, मैं मजाक में कहती भी हूँ कि JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए उसका मायके के समान है। मतलब हमें वहाँ इतनी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता हो, पढ़ने की स्वतंत्रता हो, या जिस तरह की भी स्वतंत्रता आप कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में एक टैबू की तरह है, खासकर बिहार में, पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता, रात में 3 बजे जाके ढाबे पे चाय पीने की स्वतंत्रता, या अपने पुरुष दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीने की स्वतंत्रता और साथ ही साथ उनके साथ बहस करने की भी स्वतंत्रता, ये हमें JNU जैसे संस्थान में मिली है। और ठीक इसी तरह, करीब करीब इसी तरह की स्वतंत्रता मिजोरम में भी मुझे मिला। मिजोरम विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्ट ऐसे भी पुरुष प्रधान समाज नहीं है, हालांकि मिजोरम में इसमें थोड़ी अलग अलग विचारधारा है। समाज तो वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ही है, लेकिन वहाँ स्त्रियों के प्रति इस तरह की दम्भिश या इस तरह का रोष कह लीजिए, या स्त्रियों को इस तरह से दबाने की जो प्रक्रिया हमारे समाज में है, खासकर हिंदी भाषी पट्टी में, वैसा समाज नॉर्थ ईस्ट का समाज नहीं है। वो अपनी स्त्रियों को मुखर रूप में बोलने की आज़ादी देता है, और चाहे वो शादी से पहले संबंध मनाने का हो या अपने मित्र को खोजने का हो, और आप खोजिए उसी से आपकी शादी, अगर उनके बच्चे हो भी गए तो वहाँ उस तरह का टैबू नहीं है जो हमारे यहाँ हमारे समाज में इसको एक टैबू की तरह देखा जाता है। जैसे आलोक धनवा की जो कविता है भागी हुई लड़कियाँ, क्यों उन्होंने आखिर उनको लिखना पड़ा, मुंगेर जैसे शहर से वो हैं, अभी पटना में रहते हैं, अलग बात है, वो हैं मुंगेर के ही। तो हमारे समाज में वही है कि एक लड़का और एक लड़की में अगर प्रेम प्रसंग है या कुछ भी है, उसमें दोषी हमेशा लड़की ही होती है। दो लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं, वो अगर वो प्रेम में भी हैं और उन्होंने शादी कर ली, तो हमेशा लड़कियों के पिता को ही शर्मिंदगी
का एहसास कराया जाता है या लड़कियों के परिवार वाले को ही शर्मिंदगी का एहसास कराया जाता है। लड़के का तो वो धूल झाड़ने वाली जैसी संकल्पना होती है कि अरे लड़का है उससे गलती हो गई। हमारे बिहार में लड़कों से बहुधा गलतियां हो ही जाया करती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। कल भी एक लड़के से गलती हुई है, चूँकि मैं लाइव हूँ तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मुझे नाम अभी ध्यान भी नहीं आ रहा, सब मिश्रा हैं और पेपर में इन लोगों को दबंग कहा जाता है। हाँ, अगर पिछड़ी जाति से कोई रहेंगे तो उनका नाम लिया जाएगा, बच्ची का नाम दिया जाएगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन जो वो सो कॉल दबंग हैं उनका नाम भी नहीं बताया जाता है कि भाई इसने इतना घृणित रूप से इस तरह का काम किया है। वो उस लड़की का बलात्कार होता है, क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि वो उसके बगीचे में आम चुनने जाती है और वो अपनी पत्नी के सामने उसका बलात्कार करता है और उसे गला रेत के मार भी देता है। मैं यही से शुरुआत करूँगी, हालांकि मैं कुछ और बोलती, मैं शुरुआत कहीं और से करती, लेकिन कल का जो वाक्य है मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से उसको जोड़ा। और चूँकि हम समाज से कटे हुए लोग नहीं हैं, जिस समाज से हम उठ के गए बाहर, अगर हम उसी समाज को के लिए कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर समाज का ऋण कभी हम चुका नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि जो आधी आबादी है हमारी, आखिर स्त्री विमर्श की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं विद्यार्थियों से मुखातिब होना चाहूँगी कि एक हमारे यहाँ ये भी परंपरा है, मैं जब से ज्वाइन की हूँ देख रही हूँ कि यहाँ गेस्ट पेपर पर अगर टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ देखती हूँ कि बच्चे टेक्स्ट नहीं खरीदेंगे, वो गेस्ट पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। गेस्ट पेपर में आप परीक्षा पास कर जाएंगे, हो सकता है कि परीक्षा में हिंदी में ऐसे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं, शायद गेस्ट पेपर पढ़ के भी 70-80% आप ला सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा और जो एक समझ बननी चाहिए किताबों को पढ़ के, या पुस्तक इसीलिए पढ़ी जाती है ना कि आपकी अपनी समझ विकसित हो, आप खुद बोल पाएँ, खुद लिख पाएँ, खुद आपकी सोचने समझने की शक्ति बने। इसलिए BNMU और अपने अगर मेरे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं जो कि जानते ही हैं, ऑलमोस्ट उनमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए भी हैं और बच्चे काफ़ी किताबें खरीद रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी, हमारा पूरा विश्वविद्यालय एक ही है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी किताबें खरीदें। किताबों से बड़ा कोई संगी साथी नहीं होता, टेक्स्ट खरीदिए सबसे पहले। स्त्री विमर्श पढ़ रहे हैं तो स्त्री विमर्श पे तमाम किताबें खरीदिए। हो सकता है कि आपको कपड़े पहन थोड़ा कम डिजाइन के कपड़े पहन सकते हैं, चलेगा, लेकिन किताबें खरीदिए। किताबें खरीदिएगा तभी आप शिक्षक को भी पकड़ पाइएगा, शिक्षक पढ़ा कहाँ से रहा है ना, वो कहाँ से टेक्स्ट किस टेक्स्ट से उद्धरण दे रहा है। तो किताबें खरीदनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ, जो मैं कह रही थी कि स्त्री विमर्श की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों हमें? स्त्री विमर्श की जरूरत इसलिए पड़ी कि कल जिस तरह की घटना हुई और एक स्त्री के सामने ही ये विवश घटना हुई, अगर वो स्त्री प्रखर रहती, चेतनशील रहती, तो वो स्त्री उसी समय अपने पति को रोकती, या हो सकता है कि वो जिस तरह से वो गला रेत रहा था तो वो भी उस पर प्रहार करती। एक चेतनशील स्त्री, एक संवेदनशील स्त्री अपने सामने किसी स्त्री का इस तरह से उसका नहीं देख पाएगी, कोई भी चेतनशील और संवेदनशील स्त्री, मुझे ऐसा लगता है। और यहीं से स्त्री विमर्श की जो भी बना एक तरह से, कि हमें लगा कि जो इतिहास लिखा जा रहा है, जो विमर्श हो रहा है, चाहे वो हिंदी साहित्य में विमर्श हो या तमाम तरह के जो भी विमर्श चले, उसमें स्त्री कहीं ना कहीं उपेक्षित है। स्त्री की उपेक्षा अभी भी हो रही है और स्त्री को उपेक्षित रखा भी गया है, तो इसलिए इस विमर्श की जरूरत पड़ी, इस पे काम करने की जरूरत पड़ी, इस पे काम किया जाए। क्योंकि इस पे पुरुष नहीं करेंगे, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, जो ये
जो ये नहीं देखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, जिसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, या आपका स्लीव वो जो है ब्लाउज का स्लीव छोटा है या तंग है, या तमाम तरह की जो अवधारणा है। और ये मंच पर से बोली, ये सारी बातें बोली जाती हैं कि स्त्री वैसे ही अच्छी है जो पुरुष की अनुगामनी हो, मतलब स्त्री का दो रूप हो, कोट एंड अनकोट, ऐसे करके बोला जाता है कि एक सिक्ता और एक सूर्पनखा है। तो आप तय कीजिए। वुमेंस डे में ऐसा मैंने एक मंच पे किसी को कहते सुना, और वो बड़े प्रोफेसर हैं, कि स्त्री का दो रूप है, एक सीता और एक सूर्पनखा का। तो अब आप तय कीजिए कि आपको सीता बनना है या आपको सूर्पनखा बनना है। तो भाई साहब, आप ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि मुझे सीता बनना है या सूर्पनखा बनना है? उसके बीच में स्त्रियां होती है, तो इसी सीता और सूर्पनखा की, उनके बने बनाए हुए जो मनगढ़ंत किस्से हैं, उसको तोड़ने के लिए भी स्त्री विमर्श की जरूरत पड़ी। और लोग जो भी स्त्रियां आत्मकथा के रूप में हो, या महादेवी वर्मा ने जो श्रृंखला की कड़िया में स्त्रियों की दारुण दशा का चित्रण किया है, बंग महिला ने जो चित्रण किया है, या तमाम हमारे पुरखों ने जो चित्रण किया है, कहीं ना कहीं उनको जरा ऐसा महसूस हुआ, तभी उनको खुद से लेखनी चलानी पड़ी। आज मैं इसी बोलने के सिलसिले में कुछ देख रही थी यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं मृणाल पांडे उनका एक लेख पढ़ रही थी। तो उसमें उन्होंने लिखा है, शिवानी जो कि बहुत, वो भी हालांकि स्त्रीवादी मुद्दे पे बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा है, रोमांटिसिज्म और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक प्रखर लेखिका हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में कहूँ कि जब वो, जो कि बहुत अच्छे जगह से वो पढ़ी लिखी हैं, वो जब लिखना शुरू करती हैं, या जब भी वो, जब वो लिखने का मन बना रही थी, तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि वो लिखना चाहती हैं। तो उनके पति साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लिखो, लेकिन तुम्हारा जो नाम है गौरापन, उससे नहीं लिखना है। आपको लिखना किससे है? तो आप एक अलग सा नाम लिखने के लिए रख लीजिए, ताकि समाज में जो स्त्रियों को लिखने को लेकर भी एक टैबू था, कि स्त्री अगर कुछ लिख रही हैं तो उसको भी एक गलत नज़रिए से देखा जाता था। जैसे अगर स्त्रियां पहले सिनेमा में जाती थी, या कोई स्त्रियां डांस करती थी, उसको भी बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता था। ठीक उसी तरह लिखने को लेके भी एक टैबू था समाज में, और बड़े घर की लड़कियों, मतलब सो कॉल जो आप कास्ट सिस्टम में जो जाते हैं कि अपर कास्ट में, वहाँ भी इस तरह से दबाने की परंपरा रही है। और वो शायद इस मुद्दे पे बाद में आऊँगी कि किस तरह से मध्य वर्ग या दलित वर्ग, और किस तरह से वहाँ के स्त्रियों को किस तरह से देखा जाता है। तो जो गौरा पंत का मैं नाम बोल रही थी, फिर उन्होंने शिवानी नाम उपनाम से लिखना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मृणाल पांडे कहती है कि मुझे जब तक वो, मतलब उनकी समझ नहीं बनी थी, तभी तक तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ शिवानी नाम से क्यों लिखती है, लेकिन जब मेरी अपनी समझ बनी, तब मुझे बहुत अंदर से बहुत अजीब लगा कि अगर हम अपने ही बारे में, या मैं कुछ लिखना चाहूँ, मान लो मैंने कुछ क्रिएटिव किया, मैंने कुछ कला बनाया, मैं कोई कलाकृति बनाता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, कोई डांसर है, अब डांस में कोई डांस कर रहा है, या कोई गाना लिरिक्स ही लिख रहा है, मान लीजिए कि मैं कुछ सिनेमा में लिरिक्स लिखती हूँ, और वो नाम से ना जा के किसी छद्म नाम से जाए, और फिर मेरी जो अपनी मेरा जो अपना अस्तित्व है वो कहाँ रहेगा, जिस अस्तित्व, उसी अस्तित्व के तलाश में बाद में ये नारीवादी चिंतन, या इस तरह से प्रखर नारीवादी चिंतन सारा आता है, जो आत्मकथा के रूप से बहुत खुले रूप में आपको देखने को मिलेगा स्त्रीवादी उसमें विचारधारा। शिवानी जी मान गई, गौरा पंत शिवानी बन गई, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इतना इस तरह का हौसला तो दिखाया कि लिखने की कोशिश की, जिस समाज में लिखने को भी एक टैबू की तरह देखा जाता था, उन्होंने कलम को पकड़ा, और स्त्रियों को एक
दिशा दिया कि आप भी लिख सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर आते हैं स्त्री विमर्श वाले मुद्दे पे। यहाँ पे भारत के स्त्री विमर्श पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ उस तरह का इतिहास नहीं रहा, स्ट्रगल का इतिहास जो कह लें कि भारत में कोई बहुत आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ और उसके तहत स्त्रियों को अधिकार मिले या उसके बाद स्त्रियों ने लिखना शुरू किया या उसको दबाया जा रहा था। तो एक प्रखर नारीवादी चिंतन का जो एक समूह है वो लोग बड़ा आंदोलन किए, इस तरह का आंदोलन भारत में नहीं देखता है जो कि यूरोप में था। तो हम कह सकते हैं भारत की स्त्रियों को या हम लोगों को बिना मेहनत किए, एक तरह से कह लीजिए बिना सड़क पे उतरे, बिना प्रोटेस्ट किए, हमारे हाथ में वो शक्ति मिल गई, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो या फिर लिखने का अधिकार हो। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सबको, लेकिन यूरोप में जिस तरह से तालेबंदी की गई या नारेबाजी की गई या विमेन का एक पूरा तमाम स्ट्रगल चला, वैसा भारत में नहीं दिखता है। तो शायद वीर भारत तलवार इस पे कहते हैं कि शायद यही कारण है कि भारत की जो स्त्रीवादी, भारत का जो स्त्रीवादी चिंतन है वो इतना प्रखर नहीं है, उतना प्रखर रूप से नहीं निकल के आता है जितना कि ये यूरोप में या अमेरिका में उस तरह के उन देशों में जितना प्रखर रूप से हमारे सामने आता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो शायद आपको उसका मूल्य समझ में आता है। जो चीज़ हमें बैठे बिठाए मिल जाता है, बिना मेहनत के मिल जाता है, बिना स्ट्रगल किए मिल जाता है, उस चीज़ का मूल्य भी हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इस मेरे एक वोट देने का मूल्य क्या है या मेरे हाथ में जो ये कलम है इस कलम की शक्ति क्या है। हाँ, अभी भी महिला आरक्षण की बात की जा रही है लेकिन तमाम तरह की दुश्वारियाँ, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और पता नहीं कितने दिनों, कितने सालों से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह की एकता नहीं बन पाती है या हम सड़क पे इस मांग को लेके बाहर नहीं निकल पाते हैं कि भारत में या फिर ये जो महिला आरक्षण है उसमें एक एकता बन सके और महिला आरक्षण का बिल पास हो संसद में। तो ये और इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे के कारण को भी जानना जरूरी है। अब वीर भारत तलवार को अगर मैं कोट करूं, प्रोफेसर आज गुरु दिवस भी है और वो मेरे गाइड भी रहे हुए हैं तो उनका नाम आ भी गया सप्रसंगस क्योंकि उन्होंने इस पे काम भी किया है। तो वो लिखते हैं कि दो चार स्त्रियां हैं जो जैसे मैत्री पुष्पा, प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल या और भी स्त्री लेखिका है जो स्त्री मुद्दे पे यहाँ सजग हैं, कृष्णा अग्निहोत्री, ये तमाम लोग, लेकिन ये लोग उस तरह से मुखर नहीं है। मैत्री पुष्पा का जो, मैत्री पुष्पा जी अभी भी सिंदूर, बिछिया और ये जो गहने और या मैंने बिंदी लगाया हुआ है तो इन चीज़ों पे ही अभी तक हैं। हालांकि उनकी कहानियाँ, उनका उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बहुत मुखर रूप से आती हैं, बहुत सेक्सुअलिटी की जो चीज़ें हैं वो बहुत मुखर रूप से वो लिखती हैं, लेकिन जब उनके लेख में आप पढ़िए या फिर वो जब भी इंटरव्यू देती हैं तो अभी भी हर साल के आसपास या जो ये होता है रिचुअल बिहारी औरतों का कि वो सिंदूर लगाती हैं नाक तक और ये, तो उन चीज़ों को लेके मैत्री पुष्पा काफ़ी मुखर रहती हैं। पटना लिटरेचर फेस्टिवल में मैत्री मैम आई थी, उषा किरण खान और ये सब काफ़ी स्त्री लेखिकाएँ वहाँ थी, तो मैंने मैम से पूछा, एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया, वो रिकॉर्डेड है, कि मैम स्त्रीवादी मुद्दे पे जो आप सिंदूर, ये तमाम तरह के जो टैबू आप मतलब, और इसके कारण स्त्रियों का शोषण है,
मुझे लगता है कि जो स्त्रियाँ सो कॉल प्रोग्रेसिव स्त्रियाँ जो मान लीजिए दिल्ली में है या मुंबई में है, जो अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानती हैं, जो कि सिंदूर नहीं लगाती हैं, बिछिया धारण नहीं करती हैं, बच्चे जन्म देना नहीं चाहती हैं, तमाम इन चीज़ों के बावजूद वो अपने कमाए हुए पैसे, अपने निर्णय लेने के अधिकार और सारी चीज़ें उनका उनके पति ही करते हैं। यहाँ तक कि उनका फ़ोन, और अभी तो मैंने सुना कि मुखिया पति के तरह मुखिया फेसबुक पति भी होते हैं, या ऑर्कुट के ज़माने में मुखिया ऑर्कुट पति भी हुआ करते थे। मतलब आप समाज में दिखाते हैं कि आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आप बहुत प्रगतिशील हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप सिंदूर नहीं लगाते हैं, आप बिछिया नहीं लगाते हैं, और इस तरह के जो शादी के बाद के रिचुअल्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपका पति आप पे शमन करता, आप पे शक करता, आपके सामने फ़ोटो फेंक देता है और आप चुप रह जाती हैं, बड़ी सो कॉल बड़ी नारीवादी चिंतक भी, तो मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा प्रखर, आपसे ज़्यादा चेतनाशील गांव की वो औरत है जो कि ये तमाम चीज़ें धारण करती हैं, बावजूद इसके उसके पति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके सामने उसका फोटो या जो भी चीज़ है इस तरह से स्त्रीवादी मुद्दे पे या उस पर हाथ उठा ले या उसको आप गाली दे दे। क्योंकि जो स्त्रियां गांव की स्त्रियां हैं, खासकर मैं यहाँ उच्च वर्गीय स्त्रियों की बात नहीं करूँगी जो घर तक सीमित रहती हैं, मैं उन स्त्रियों की बात करूँगी जो कि खेत पे जाती हैं, अपने पति के साथ काम करती हैं, और खासकर आज जो मिडिल क्लास एक उभरा है जिसमें पति और पत्नी दोनों कमाने जाते हैं, मान लीजिए कोई छोटा स्कूल टीचर ही है या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या खेतों में कमाने जा रहे हैं, या दलित स्त्रियां जो हमेशा से खेतों में कमाने जाती हैं या मजदूरी करने जाती हैं, तो उन लोगों में जो क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, है ना, यहाँ अन्योन्याश्रय वाला जो धर्मवीर भारती कहते हैं ना कि जो हिंदू स्त्रियां हैं, एक बड़ा अच्छा सा टर्म वो यूज करते हैं कि वो बस अपने पति पे एक तरह से भार की तरह है, कि अभी मैं देखिए भूल रही हूँ कि बस वो घर में अजगर की तरह, हाँ अजगर की तरह वो कहते हैं कि जो हिंदू स्त्रियां हैं वो अजगर की तरह हैं, और जिसका कि पूरा पालन पोषण, और एक तरह से वो पति पे भार बन जाती हैं, और इसी भार को उतारने के लिए उसका जो पति है मतलब उसको इस तरह से उसका शोषण करता है, उसका मानसिक प्रताड़ना करता है या सेक्सुअल अब्यूज करता है या जो इस तरह के जो भी चीज़ें सुपौल बड़े घरों में भी होती है, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं वो बंद दरवाजे के अंदर होती हैं। हमने बहुत सारे उपन्यास भी पढ़ा है, हम जानते हैं नागार्जुन, अब नागार्जुन को देखिए, हालांकि स्त्री विमर्श एकदम से स्त्री वाला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नागार्जुन की भी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे जो उपन्यास जो विधवा है उसका किस तरह से शोषण किया जाता है, हाँ अपने ही घर के लोग शोषण करते हैं विधवा का, और अगर विधवा सशक्त है वो नहीं मानेगी कुछ उनका, मान लो कि वो सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है या कुछ सेक्सुअल फेवर चाह रहा है उसका देवर, उसका भैंसुर, उसका ससुर, यहाँ तक कि ससुर भी, बंद दरवाजे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होता, उस वो औरत और ज़्यादा सताई जाती है बावजूद इसके कि जो खेत पे काम करती है, हालांकि उनके लिए दुश्वारियाँ हैं उन औरतों के, जैसे कि कल उस बच्ची के साथ हुआ, तो औरत के पढ़ते हैं ओबीसी हैं तो उनका जो ठाकुर हैं या इस तरह की तमाम कहानियां हैं हमारे यहाँ कि उनका दैहिक शोषण करते हैं, उपन्यास में भी बहुत सारा जगह ऐसा चित्रण हुआ है, चारण उपन्यास को आप ले लीजिए, या फिर विचारधारात्मक स्थल उस पर भी अगर आप जाइएगा तो जो मार्क्सिज्म है, हिंदुइज्म है, आप इसको राइट विंग लेफ्ट विंग उन तमाम तरह का, और अगर औरत के नज़रिए से देखें तो ये तमाम तरह के विंग खोखले हैं, अगर औरत के हिसाब से औरतों का शोषण हर जगह है, इस चीज़ को रेणु जीवन ने भी उठाया, जो कालीचरण है या फिर
मंदिर में किस तरह से उसका शोषण होता है देवदासी के रूप में औरतों का, और अभी भी समाज में है ये चीज़ बना हुआ। या फिर अगर हम किसी को प्रगतिशील मान लेते हैं कि उनकी विचारधारा प्रगतिशील है, तो ज़रूरी नहीं है कि औरतों के बारे में उनका नज़रिया, औरतों के बारे में वो अपने घर के औरतों को या दूसरी औरतों को उसी प्रगतिशील नज़रिए से देखते हैं या उसी प्रगतिशील नज़रिए से संचालित होते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। और ये तमाम उपन्यास इसके उदाहरण हैं। इधर के उपन्यास का इसलिए उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि हम बिहार से हैं, तो हम चाहेंगे कि बिहार के उपन्यास को भी मुखर रूप से स्थान मिले। कहीं ना कहीं बहुत तरह की राजनीति होती है कि बिहार के जो उपन्यासकार हैं या बिहार के जो लेखक हैं उनको वो तवज्जो नहीं मिलती है या वो स्थान उनको नहीं मिला जिसके कि वो अधिकारी हैं। तो शायद ये हम लोग का नैतिक कर्तव्य भी बनता है जो हम बिहार से हैं या बाहर गया पढ़ने लिखने के लिए, जिसकी चेतना या जो लिख पढ़ सकते हैं तो वो अपने यहाँ के लोगों के मुद्दे को उठाए, अपने यहाँ के उपन्यासकार के पे कुछ लिखे या अपने यहाँ के आलोचकों को लिखे, जिनको कि मुख्य मीडिया कहिए, मुख्य धारा का समाज कहिए, वो हमेशा उपेक्षित नज़र से देखता रहा है। तो खैर, अब आते हैं स्त्री विमर्श पे। जो ये विचारधारा स्तर पे इसे मैं बांध रही थी, एक तरह से देखिए तो सबसे ज्यादा मुखर कथा में, मुझे लगता है कि स्त्रियां आत्मकथा में सबसे ज्यादा मुखर रूप में दिखी है। महादेवी वर्मा की कविताएं, महादेवी वर्मा भी स्त्री के शोषण, उसके दमन और उनके सारे चीज़ों का को उठाती हैं श्रृंखला की कड़िया में, उनके साथ किस तरह से शोषण होता है या दलित स्त्री का समाज में क्या स्थान है उनके बारे में। लेकिन जो हमारा इतिहास रहा है या हिंदी साहित्य के जो निर्माता रहे हैं, वो हमेशा महादेवी वर्मा को एक छायावादी कवित्री के रूप में ही उनको उस तरह से एक सांचे में डाल दिया कि वो छायावादी कवित्री है, और उसका जो उनका जो दूसरा रूप है वो उतना प्रखर रूप से नहीं आ पाया। कि स्त्री मुद्दे पे भी महादेवी वर्मा ने आज से 100 साल पहले मतलब इतनी बड़ी विचारधारात्मक बात कह दी है, जिसको कि अभी हम आज की लेखिकाएँ जिसपे लिखना शुरू कर रही हैं। तो श्रृंखला की कड़िया में ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने स्त्री के दलित स्त्री के शोषण को दिखाया है। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची का करीब करीब उससे दुगुने एज के आदमी से, उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती है, इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने दिखाई। बिबिया में, बिबिया है श्रृंखला की कड़िया में, इसमें आप देखेंगे जो जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने भी, वो जानते होंगे कि इस तरह महादेवी वर्मा ने भी इसे प्रखर रूप से इस मुद्दे को उठाया है। बात के उसमें हम आए अगर हिंदी साहित्य में देखें तो मुझे लगता है कि कृष्ण शोभती, मैत्री पुष्पा और तमाम उनके ये सिंदूर बिंदी और इन चीज़ों को छोड़ देते, तो अगर हम उनके साहित्य पे अगर आएँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत प्रखर रूप से उठाया है इन मुद्दों को, समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है। और उनकी आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल वसे और मनु भंडारी इन्होंने, और प्रभा खेतान इन्होंने भी, प्रभा खेतान ने बहुत प्रखर रूप से, इन चारों को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि प्रभा खेतान ज़्यादा मुखर रूप से आलोचना के क्षेत्र में भी और हिंदी साहित्य में आत्मकथा में भी, वो उनकी उनके जैसे मुखरता मुझे ना तो मनु भंडारी में लगा, मतलब मैं इन पर्सनल बोल रही हूँ, मुझे जैसा लगा, हो सकता है कि मनु भंडारी ज़्यादा प्रखर चिंतक रही हो या मैत्री पुष्पा बड़ी चिंतक रही हूँ, एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि प्रभा खेतान ज़्यादा सशक्त है। यूरोपियन चाहे वो इसका अनुवाद करे सेकेंड सेक्स का,
स्त्री उपेक्षिता करके, या फिर उनकी जो अपनी आत्मकथा है अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या में भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक सामान्य स्त्री का जीवन होता है, मध्यवर्गीय स्त्री, मध्यवर्गीय लड़की का किस तरह से अपने ही घर में शोषण होता है। ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में, जो कि जिसका कि दिखाने का जो एक जो मुखौटा है, वो जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो समाज दिखने में बहुत अच्छा लगता है बाहर से, उसका बाह्य आवरण बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसका अंदर, वो अंदर से इतना गलित है कि अन्या से अनन्या जब आप पढ़ेंगे तो बाद के पृष्ठों में जब वो लेखिका खोलती है तो उसका अपना भाई ही उसके साथ अब्यूज करता है, सेक्सुअल अब्यूज करता है, सेक्सुअल फेवर लेता है, वो भी उस अवस्था में जबकि वो 13 साल की रहती है और शायद देह को वो बहुत अच्छे से समझ भी नहीं। 13 साल की बच्ची के लिए देह का अर्थ कितना रहता होगा, वो देह के, अपने देह के बारे में वो कितनी सजग होती होगी, हम सब इससे अनजान नहीं हैं। हम सबके यहाँ बच्ची है, और वैसे देश में जहाँ सर्वभूतेषु शक्ति स्वरूप और तमाम तरह के जो हमारे मिथ में स्त्रियों को देवी स्वरूपा बना दिया गया है, देवी बना दीजिए स्त्री को ताकि वो कुछ बोले नहीं। सबसे ज्यादा शोषण उन देवियों का ही होता है। एक अच्छा जो मिथ ही है हमारे यहाँ, देख लीजिए, जो हमारे जितने भी देवता हैं सारे के सारे बलात्कारी हैं यार। मतलब एक भी ऐसे देव नहीं हैं जिन्होंने बलात्कार ना किया हो। तो हम वेद पुराण और जो तमाम चीज़ें हैं, अगर स्त्री उसका वर्णन जिस दिन अपने हाथ में लेके करने लगेगी, मुझे लगता है कि वो फिर किस तरह, शायद यही कारण है कि लोक भाषा के बरक्स एक जो खड़ी बोली या संस्कृत, इन चीज़ों को खड़ा किया गया। संस्कृत को इसलिए स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने से महरूम रखा गया कि इनकी जो तमाम चलाकियां हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो तो इन्हीं में हैं, और उनके वेद में, श्रुति में, पुराण में। उन्होंने जो कहानियां दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, मैं तो पाठ करती हूँ, अब मैं कह रही हूँ, मैंने पाठ किया, अभी नहीं करती हूँ, मैंने पाठ किया, इसी समाज से आगे निकल के गई हूँ तो मैंने भी पाठ किया है। जिस तरह से दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के अंगों का सांगोपांग वर्णन होता है, कौन ऐसा बेटा होगा जी जो अपने माँ का ऐसा वर्णन करेगा, यहाँ तो खून खराबा हो जाएगा अगर किसी के माँ के बारे में हम ऐसा वर्णन करेंगे। तो शायद यही कारण है कि उन्होंने जो संस्कृत भाषा को चुना, देव भाषा उसको बना दिया, कि जो चीज़ें उन्होंने गढ़ी हैं, जो मिथ उन्होंने गढ़ा है, जो कि हमारे समाज में है ही नहीं, जिसकी कि जिसको कि आप प्रूव नहीं कर सकते, जिस पे कि आप बात नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसी चीज़ों को गढ़ा और समाज के आधे तबके, आधे क्या, अगर हम मान लें कि जो जिन्होंने गढ़ा है 3-4% अगर उनकी आबादी है, तो उनकी आधी अपनी आबादी को भी मान लें तो कम से कम 2% आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इन सारे मिथकों को, इन सारे चरित्रों को गढ़ा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्त्रियों को भी तो ये अधिकार दिया ही नहीं था कि आप संस्कृत पढ़ें। हाँ, आप नाटक रंगमंच में, अगर जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे नाटक और रंगमंच, उनमें जानते होंगे कि पहले जो संवाद नाटक और रंगमंच में हुआ करते थे उसमें स्त्रियाँ लोक भाषा में बात करती थी। हाँ, संस्कृत में जो पुरुष पात्र हैं वो संस्कृत में बात करते हैं और जो स्त्री है वो लोक भाषा में बात करती है। क्यों करती है? आखिर आपने अपनी ही स्त्री को उस देव भाषा, तथाकथित देव भाषा से, देव भाषा को पढ़ने से क्यों वंचित रखा? क्या कारण थे? जब आप टेक्स्ट पढ़िएगा, फिर मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगी कि आप टेक्स्ट पढ़िए। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में समय बिताएंगे, तभी इन तमाम गुत्थियों से आप वाकई आपको मिलेगा और इस तमाम गुत्थियों को आप खोल भी पाएंगे कि आखिर क्या कारण थे, आखिर क्या कारण है कि हमारे समाज की स्थितियों को, हमारे समाज के
महिलाओं की स्थितियों को, या रिजर्वेशन की बात हो, या जो भी स्त्री रिजर्वेशन की बात हो, आरक्षण की बात हो, तो उन पे बात क्यों नहीं की जाती है? और आप कब तक कोई इस आश्रय पे रहिएगा कि कोई आपके लिए बात करे? आप खुद उतने सबल बनिए ना भाई, खुद पढ़िए लिखिए, खुद उतने सबल बनिए कि आप अपनी तमाम दुश्वारियों को, तमाम चीज़ों को खुद से लिख सके, खुद से प्रस्तुत कर सके, या आपकी जो कठिनाई है, आपके साथ जो घटित हुआ है, आप इतने पहले दूसरी बात खुद से लिख भी सके और इतने सशक्त बनो कि कोई कुछ करने से पहले हजार बार सोचे कि वो किसको छूने जा रहा है। हमारे समाज को इतना सशक्त भी बनना पड़ेगा कि जो जो पेपर में आता है ना, क्या कहते हैं उसको, दबंग, उन दबंग की भी रात में उसको सपने में आए कि हम किसको छूने जा रहे हैं, हम किसके बारे में या किसके बारे में भ्रांति फैला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो जब तक समाज नहीं बदलेगा, जब तक हम आप नहीं बदलेंगे, तब तक ये समस्या हमारे समाज में बनी ही रहेगी। इसलिए चेतनशील बनिए, पढ़िए लिखिए। और है ये कुछ ज़्यादा ही, एक शिक्षक होने के नाते और एक शिक्षक की बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि मुझमें भी प्रवचन देने की थोड़ी आदत हो गई है। तो हिंदी, अगर हम कुछ चीज़ों को मैं पढ़ूंगी आत्मकथा से, कुछ कोटेशंस मैं दिखाती हूँ। क्या है कि जब साहित्य में स्त्रियों को अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला, तो स्त्री जीवन का यथार्थ साहित्य की अन्य विधाओं के बनस्पत आत्मकथा के माध्यम से प्रमाणिक ढंग से सामने आया। आत्मकथा पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि आत्मकथा का सीधा संबंध क्या है कि अपनी, जिनके साथ स्व पीड़ा, जिनके साथ घटित हुआ है, वो खुद लिख रही हैं। हाँ, तो इसमें एक जो लेखिका है, वो लेखिका भी है, उसके साथ वो घटना भी घटी है और वो देख भी रही है। अगर वो फ्लैशबैक से लिख रही है तो एक पाठक के तौर पे भी, तो तीन तरह से उसका ये चीज़ उभर के सामने आता है आत्मकथा के, आत्मकथा में, जिसमें प्रभा खेतान का मैंने बताया, मन्नू भंडारी, इन्होंने जो लिखा यही सच है, उनकी भी, उनके जीवन की भी तमाम समस्याएं, कुछ प्रधान समाज में, समाज में वो इतना हिम्मत करती हैं कि एक सवर्ण महिला एक ओबीसी के लड़के से, जो कि विकलांग, मैं यहाँ जोर देना चाहूँगी कि विकलांग है, राजेंद्र यादव विकलांग थे, मानसिक स्तर पर विकलांग नहीं थे, विनय शक्ति बड़े लोग हैं और विकलांग थे शायद पैर से, जो भी था। तो ऐसे पुरुष से विचारधारात्मक स्तर पे वो जुड़ती है, फिर उन्हें लगता है कि उनसे वो शादी कर लें और अपने समाज के तमाम आलोचना के बावजूद वो उनसे शादी करती है। फिर शादी करने के बाद उनको क्या मिलता है? ऐसा कहा जाता है कि हर तरह का, देखिए हर तरह की आलोचना होती है, कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उनके बारे में इस तरह से खुले तौर पर नहीं बोला जाता। लेकिन राजेंद्र यादव, कल भी पार्टी का कार्यक्रम में सुन रही थी, तो उनको डायरेक्ट उनको कह दिया गया कि वो गैंगवार में मतलब शामिल है, शामिल रहे हैं, गैंगवार वाली बात। तो भाई राजेंद्र यादव को तो आप कह सकते हैं कि वो गैंगवार थे, अशोक वाजपेयी को आप नहीं कह सकते उस तरह से नाम लेके खुले तौर पे, या और सो कॉल बड़े नाम को, जो बड़े तोप हैं साहित्य के, क्योंकि कुछ नामों को छूना हमारे समाज में बहुत आसान होता है, चाहे उन्होंने समाज को बदलने में कितनी भी कुर्बानी दी हो, कितने भी जतन किए हो, वो बंदा अगर राजेंद्र यादव चाहते तो खुद भी और भी बड़ा से बड़ा साहित्य रच सकते थे, इतनी क्षमता थी उनमें। लेकिन उन्होंने
एक दौर ही चलाया पूरा नए उभरते हुए रचनाकारों को हंस में जगह देने के लिए, हंस में लाने के लिए, वही हंस जिसके कि मालिक को अभी लगता है कि प्रेमचंद तो दो कौड़ी के, प्रेमचंद ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, जिसकी आधारशिला पे हिंदी साहित्य बना हुआ है। खासकर उपन्यास देखें तो उनको लगता है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का तो कोई स्थान ही नहीं है। खैर मैं थी कहाँ पे, और मन्नू भंडारी वाली चीज़ पे, कि मन्नू भंडारी ने जो कहा है यही सच में, उन्होंने बेसिकली उसमें मन्नू भंडारी के यही सच में जो है, तो पुरुष और स्त्री के बीच जो तीसरी स्त्री चौथी स्त्री आती है उस समस्या को उन्होंने मुखर रूप से उठाया है। बावजूद इसके कि राजेंद्र यादव यादव है या पिछड़े समाज से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलतियां छिप जाएंगी, उनकी गलतियों पे हम बात चर्चा नहीं करेंगे। अब हैं तो वो एक पुरुष है, तो ये पुरुषवादी समाज जो है ये क्या कहते हैं, देह को एक पैमाना बना लिया है, एक तरह से ये मानिए कि इन्होंने देह को एक पैमाना बना लिया। अगर आप उन पे ये भी आरोप लगता रहा है कि जो भी स्त्रियां या बहुत तमाम स्त्रियां उस दौर की जो भी लेखिकाएं रही थी, तो कुछ सेक्सुअल फेवर और इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि जो मैं खुद नहीं जानती हूँ, लेकिन ये आरोप है, मनगढ़ंत भी हो सकते हैं, लेकिन यही मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में इन चीज़ों को भी उठाया है कि दूसरी तीसरी औरत जो भी उनकी ज़िंदगी में आई, इनके कारण उनका अपना घर तबाह हुआ और वो दोनों बहुत दिनों तक अलग अलग रहे। काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद उन्होंने बाद में जाके साथ अपनी बेटी के कारण तलाक लिया, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो अलग अलग जिंदगी जीते रहे। तो प्रभा खेतान मन्नू भंडारी के, प्रभा खेतान की गुरु रहती हैं मन्नू भंडारी, प्रेसिडेंसी या कोलकाता यूनिवर्सिटी में जहाँ मन्नू भंडारी पढ़ा रही होती हैं, तो वहाँ प्रभा खेतान भी छात्रा के रूप में रहती हैं और वो मन्नू भंडारी कभी कभी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में प्रभा खेतान से बताती रहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था या क्या चल रहा है, जो भी है तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और उस समय उस प्रभा खेतान जो छात्रा के रूप में है, उनको राजेंद्र यादव एक विलन के रूप में लगते हैं, दिखते हैं। वही प्रभा खेतान जब अन्या से अनन्या, उन्होंने खुद ही ये अन्या से अनन्या में कबूल किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है सीट को, कि उस समय उनको राजेंद्र यादव एक विलन की तरह लग रहे थे, लेकिन फिर उनको यह एहसास होता है कि जिस चीज़ के लिए राजेंद्र यादव जी की आलोचना इतनी प्रखर रूप से होती रही थी, उसी ठीक वही स्थिति में प्रभा खेतान भी आ जाती हैं अपनी ज़िंदगी में, जब वो डॉक्टर सर्राफ की ज़िंदगी में जाती हैं। डॉक्टर सर्राफ जो कि पहले से शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, और ये जानते हुए भी दोनों आगे बढ़ते हैं और करीब करीब एक सशक्त महिला जो उस जमाने में, अभी की तो बात छोड़िए, उस दौर में कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा रही है, और चमड़े का बिजनेस वगैरह वो करती थी, पेरिस हमेशा आना जाना इस तरह की चीज़ें उनकी लगी ही रहती थी। तो इतनी सशक्त महिला जो कि हर क्या कहिएगा, वो प्रगतिशील है, जिनकी नज़र में इस तरह की चीज़ें, मुझे नहीं लगता है कि शायद डॉक्टर सर्राफ के मिलने से पहले उनके दिमाग वो किसी को इस तरह से जस्टिफाई करती, लेकिन जब डॉक्टर सर्राफ उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो वो उसी परिस्थिति में आ जाते हैं। वो भी एक उनको उनके दिमाग में ये भी चलते रहता है कि मैं भी तो किसी एक महिला की ज़िंदगी का, जिसका कि बसा बसाया हुआ घर था, उसकी ज़िंदगी को मैं भी तो कहीं ना कहीं तबाह कर रही हूँ। और एक रखैल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो रखैल वाला कॉन्सेप्ट ये भी उनको कहीं ना कहीं हॉन्ट करते रहता है कि मैं इतनी सशक्त हूँ, मुझे डॉक्टर शराब से एक रुपये की भी आवश्यकता नहीं है। अगर पूरी अन्या से अनन्या आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभा खेतान हमेशा
डॉक्टर सराफ को या उसके बच्चे को हमेशा वो आर्थिक रूप से मदद ही करती आई हैं। उन्होंने उनके घर से कुछ नहीं लिया, उन्होंने उनके घर से यही लिया कि वो प्रेम के स्तर से, मानसिक स्तर से डॉक्टर सराफ से जुड़ी हुई थी। वही डॉक्टर सराफ जो कि जब कह लीजिए कि प्रभा केतान बच्ची थी, जब उनको समझ नहीं था तो वो समझाते हैं कि हम एक बार मिलने के बाद कि अब हम लोगों को दूरी बना लेनी चाहिए, ब्ला 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 जो भी था, लेकिन प्रभा केतान ये नहीं मानती हैं। बाद में उनकी पत्नी के लिए तो शायद ये यूज टू था, लेकिन प्रभा केतान बिना शादी किए हुए भी उनसे एक निष्ठता वाली चीज का डिमांड कर रही थी, और वो एक निष्ठता वाली चीज ये पुरुष प्रधान समाज शायद प्रभा केतान को उसी समय, और इस चीज के लिए प्रभा केतान की काफी आलोचना भी होती है। मेरी एक सहेली है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और स्त्री पे उन्होंने काफी काम भी किया है स्त्री मुद्दे पे, तो उनका कहना है कि ये एक इतनी सशक्त स्त्री और जो कि तमाम चीज़ों से अवेयर है, जो अवेयर नहीं होती है वो अलग बात है, जो इनकी सारे अवधारणा और सारी चीज़ों से जो अवेयर है, जिन चीज़ों को वो जान रही थी, फिर भी वो किसी एक दूसरी स्त्री का घर क्यों बर्बाद करती है। और प्रभा केतान से एक आम बच्चे को या यंगस्टर को क्या, मतलब उसको मैसेज क्या जाएगा? तो मुझे लगता है कि प्रभा केतान अगर ये घर बर्बाद करने वाला मामला को अगर हम दरकिनार रखते हैं, तो साहित्य से उनके साहित्यिक अप्रोच को देखें, उन्होंने साहित्य में जो लिखा है, साहित्यिक अवदान को देखें, तो वो अवदान भी कम नहीं है। उनकी निजी ज़िंदगी जो उन्होंने अन्य से अनन्या, सिर्फ एक अन्य से अनन्या, या उनकी अपनी निजी ज़िंदगी पे ही चीज़ों को हम नहीं तोल सकते हैं, उनका अपना उन्होंने जो काम किया है, और चाहे वो अनुवाद के क्षेत्र में हो या एक महिला को बिजनेस, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में बिजनेस में भी उस जगह पे स्थापित करना जहाँ पे कि पुरुष भी सोचेगा, कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा होना भी बड़ी बात है, और उसके लिए हिम्मत चाहिए और लगन चाहिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दिमाग भी चाहिए और लगन भी चाहिए। उनमें था, इस चीज़ को हम ग्रहण कर सकते हैं उनसे। हर व्यक्तित्व में तमाम तरह की नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तमाम तरह की पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक हर तरह की चीज़ें होती है, हर व्यक्ति में हर तरह के पहलू हैं। तो ये हम पे निर्भर करना चाहिए कि हम उस आदमी या उस महिला के किस पक्ष को उठाना चाहते हैं, किस पक्ष को लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आत्मकथा पे दो तीन काफ़ी बात मैं कर दी हूँ। अब अगर स्त्री विमर्श पे देखें तो स्त्री विमर्श पे भाषा का भी सवाल अभय दुबे की किताब है साहित्य में अनमंत्रित, अभय कुमार दुबे CSD से जुड़े हुए हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा, इसमें भी काफ़ी आपको स्त्री विमर्श की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें उन्होंने लिखा है भाषा वाली बात पे कि स्त्री ये जो भाषा की बात है, भाषा का जेंडरीकरण है, इसमें ये अभी लाइव में हम इस तरह से आपको पढ़ के बता भी नहीं सकते क्या लिखा है। मेन जो लबोलवाब है भाषा वाली चीज पे कि स्त्री भाषा और जो भाषा हमारे समाज में चली आई हुई परंपरा चली आई हुई भाषा है, उसके बरक्स एक ये भी डिमांड चल रहा है कि स्त्री भाषा भी बने, स्त्रियों की अपनी भाषा जिसमें उसके अपने दुख, अपने जो लोकगीत में वो रचती डिस्कनेक्शन का मुद्दा था, शायद लग रहे हैं कि बोर हो गया या तो थोड़ा समय लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। मुझे लगता है कि सिद्धेश्वर सर, प्रणाम सर, स्त्री भाषा पे जो मैं बात कर रही थी, लोकगीत और स्त्री भाषा पे,
उस पे है कि अनामिका कहती हैं हैं उन्होंने भी स्त्री भाषा की बात पे देखे जो स्त्रिया या आदिवासी उनकी जो अपनी भाषा होती है उस भाषा में भी बहुत सारी चीजें आपको सुनने को देखने को समझने को मिलेंगी जो कि खड़ी भाषा हिंदी संस्कृत में शायद उन चीजों को नहीं उठाया गया है वो आपको लोक भाषा में मिल जाएगी। क्यों मिल जाएंगी कि लोक भाषा का सीधा जुड़ाव स्त्रियों से रहा है। हाँ, स्त्रियां भाषा की ऐसे भी संवाहिका सबसे पहले प्रथम शिक्षिका तो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चे को भाषा सबसे ज्यादा सिखाती है, बच्चे सबसे ज्यादा कनेक्ट अपने माँ से ही होते हैं। बाद में वो अलग बात है कि पुरुषों को जो वो मैस वो वाला मैस्कुलिन मतलब कि आपको पुरुष होना है उस तरह से माँ से डिटैच कर दिया जाता है तो वो बाद में किया जाता है, लेकिन उससे पहले वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही जुड़े रहते हैं। तो जाहिर है कि अपनी माँ से ही भाषा का ही ग्रहण करते हैं। तो जो लोक भाषा है लोक भाषा की संवाहिका सबसे पहले संवाहिका स्त्री ही है। हाँ, तो लोक भाषा में तमाम हमारे चीज गढ़े हुए हैं। ये अच्छा, ये जो मिथक की बात है, मिथक में जो सीता को अनुगामनी और राम के पीछे पीछे चलने वाली और जो ये इस तरह का दो ध्रुव वाली बात कर दी गई है कि बनना है तो सीता बनो, हाँ सीता की तरह आज्ञाकारिणी बनो, ये वाला मिथक या मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा वाली चीज जो, या लक्ष्मण रेखा जब खींच दिया गया, लक्ष्मण रेखा को सीता ने पार किया तो सीता के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, ये बहुत मजेदार है कि लोक भाषा में इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं। लोक भाषा में अलग चीजें हैं के जो बड़े रचनाकार लिख रहे थे उस समय, और लोग उसी भाषा को जब पे जब आप काम करेंगे या देखेंगे लोक भाषा की कविताओं को पढ़ेंगे या जो लोक भाषा में गाना है उन चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सीता का वो स्वरूप नहीं है जो सीता का अनुगामनी वाला स्वरूप वहाँ हमको दिखता है वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास ने जिस सीता का वर्णन किया है आदर्श वाली छवि, वो सीता हमारी लोक भाषा की सीता नहीं है। उनकी सीता सशक्त हैं, इनकी सीता उस गोपी की तरह है जो कि जानती है कि मुश्किल से बहुत कम दूरी पे उसके कृष्ण बसे हुए हैं और जाके वो राजा बन गए हैं, लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती है। हाँ, सीता का वही छवि हमारे सामने लोक भाषा की जो सीता है वो छवि जी कहती है और इस तरह का संदर्भ भी है जिसमें कि लव कुछ बड़े हो गए सद अनामिका लिखी है उसमें है कि लकुश बड़े हो गए हैं और सीता पृथ्वी में नहीं समाती है, वो वीणा बजा रही है और फिर रावण आता है और रावण कहता है कि प्रिय अब तुम मुझे ये वीणा सिखा दो। तो सीता का ये रूप भी हमारे सामने आता है कि वहाँ पे रावण के प्रकोप वहाँ जो अशोक वाटिका में अशोक वाटिका की जो सीता थी वो तिनके की ओट कर लेती है। हैं, आप भी आजकल रामायण चल रहा था आप देखे होंगे, वो तिनके के ओट में रावण से अपना प्रतिवाद या संवाद करती है जो जिसके की केस परिपक्व हो गई है। वो सीता वैसी नहीं है, वो तिनके की ओट नहीं लेती है और वो संवाद करती है रावण से कि सबका जो अपना अपना वीणा होता है आप अपने अपनी वीणा को खुद बनाओ, हाँ और आप उसको बनाने में समर्थ भी हो। तो कहने का आशय ये है कि जो ये हमारे मिथक में और पुराण में या कहानियों में
वेद में जो नारी की जो छवि बना गढ़ दी गई है, अनुकरणीय वाली, बनो तो सीता की तरह बनो, बनो तो सावित्री की तरह बनो, बनो तो अहल्या की तरह बनो, जो कि गलती नहीं होने पे भी पत्थर बन जाती है, जिनको पत्थर बना दिया जाता है, हाँ, इस तरह से जो गढ़ी गई है चीज़ें, उसके बरक्स लोक में उनकी छवि अलग है, सशक्त नारी है वो, लोक की नारी सशक्त है, हाँ। तो एक और वो हमको कहाँ मिलता है, जब आप लोक भाषा में चीज़ों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो स्त्री भाषा और लोक भाषा को अलगा के नहीं देखा जा सकता है। भाषा के सवाल पे एक ये भी मुद्दा बड़ा उठ के आता है कि शुरुआत से ही क्या है ना कि हमारी एक अवधारणा बना दी जाती है। जब हम स्कूल में, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ जहाँ बोरा लेके बैठा जाता था, तो वही कॉन्सेप्ट था लड़कियों को लेके कि वो राम आम खा वाला से जो हम शुरुआत करते हैं हिंदी की कहानी, तो वो लड़की काम करेगी और लड़का पढ़ने के। हमारे समय मेरे पापा शिक्षक रहे हैं, मुझे ध्यान है कि मेरे पापा लड़कियों के पिता के द्वार द्वार तक जाते थे कि आप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजिए। लोग समर्थ हैं, उनके घर में पैसे हैं, लेकिन वो बच्चियों को घर से निकालना नहीं चाहते, बेटा को पढ़ा लेंगे। तो वो जो अनामिका कहती है ना, अनामिका की एक कविता है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ दूंगी। वे जगह अपनी जगह से नहीं रहते, केश औरतें और नाखून। जगह क्या होती है यह जान लिया था हमने अपनी पहली ही कक्षा में। राम पाठशाला जा, राम आ बतासा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा, राधा जा बिस्तर लगा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा घर है, और मेरा, अरे पगली। लड़कियां जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन सी जगह। लड़कियां तो हवा पानी की तरह है, वो एक दिन उसको दूसरे के घर जाना है। इसलिए अपने जिस परिवार में लड़की का जन्म हुआ है, उस परिवार में तो वो, उनके लिए कोई घर नहीं बनेगा, कोई कमरा उनका नहीं होता है। और स्त्री की एक सब क्या कहिएगा उसका उसके भाग्य में, इसलिए सिमोन द बेवोवर को लिखना अपना कमरा, वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है, तो वो अपना कमरा आज भी मुझे लगता है कि इक्का दुक्का औरतों को छोड़ दें तो शायद आज भी बड़े से बड़ी सशक्त महिलाओं का भी उनके घर में अपना कमरा नहीं होता है। उनके लिए जो कि जैसे कहते हैं ना कि पिताजी का कमरा है, ये बैठक खाना है, ये भैया का रूम है, ये इसका रूम है, ये फला का रूम है, लेकिन कहीं पे ये आपने देखा कि ये माँ का रूम है, ये मेरी माँ का स्पेशल रूम है, या जो घर की बूढ़ी होती हैं उनकी, या बहुत कम घरों में आपको मिलेगा शायद, लेकिन बहुत कम घरों में ये मिलता है कि ये एक स्त्री का अपना रूम, अपना कमरा है। तो उस चीज़ को उन्होंने उठाया है। और लोकगीत में और भी बहुत तरह की जो स्त्री वाले मुद्दे हैं ना, लोकगीत अगर आप देखिए या अपने लोक समाज से मिलिए, तो वहाँ आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। किताबें तो समझाती ही हैं, लेकिन आम लोग जब आप बात करते हैं ना, या जब आप घूमते हैं टहलते हैं, सब्जी वाले से बात कीजिए, रिक्शा वाले से बात कीजिए, किसी मजदूर से बात कीजिए, उसकी स्थिति को जानने की कोशिश कीजिए। या कभी कभी देखिएगा कि मजदूर जो काम कर रहे हैं तो वो कौन सा गीत गाते हैं, या खेत में जो स्त्रियां काम कर रही हैं वो कौन सा गीत गाती हैं। तो उस गीत के भी पीछे का अपना वो इतिहास है, उस गीत के पीछे भी बहुत अर्थ छिपे हुए हैं। एक लोकगीत है, रुनकी झुमकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित व दमाद गंगा मैया, दर्शन दिहीन आज। क्योंकि हम बिहार से, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे आप लोगों के सामने शेयर करूँगी कि क्या है कि रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित व दमाद गंगा मैया, दर्शन दिहीन आज। ये शिव जी के लिए है, ये जो लोकगीत है शिव जी के लिए गाया जाता है। और शायद अनामिका जी ने इसे राहुल संकृत्यायन के उसमें लिखा है, लोकगीत में।
राहुल संक्रित एंड कृतांत पंडित रहे हैं हमारे समाज के, लेकिन आप यहाँ स्त्री विमर्श में इसको यहाँ से जोड़िए कि उसका पहला लाइन देखिए उस लोकगीत में, लोक में भी देखिए हमारे सब कॉन्शस में भी चीज़ें किस तरह से भरी हुई रहती हैं, बैठी हुई हैं कि हम स्त्रियाँ लोकगीत बना रही हैं लेकिन वो अपने लिए मांग भी क्या रही हैं, तो झुनकी झुनकी बेटी मांगना है, वो बेटी जिसका कि मतलब वो झुनुर झुनुर करके चलने वाले जिसका पायल है मतलब, या इस तरह से चीज़ें, और दामाद उसका क्या पढ़ल पंडित व दामाद, दामाद उसका प्रकांड पंडित होना चाहिए है। तो माँ भी मांग रही है बेटी के लिए शिक्षा नहीं मांग रही है, चेतना नहीं मांग रही है, क्या मांग रही है, दामाद वैसा मांग रही है। तो माँ आज की पढ़ी लिखी औरतों को मुझे लगता है कि यहीं से हमें लोकगीत से सीखना भी है, लेकिन लोकगीत में जैसा दर्शाया जरूरी नहीं कि हम वैसा ही अनुकरण भी करें। तो जो चेतनशील आज की स्त्रियाँ हैं और जो समझती हैं शिक्षा का महत्व तो समझती हैं, मैं देखती हूँ कि आज वो ज़्यादा सजग हैं अपने अधिकारों के प्रति भी, अपने बच्चियों के प्रति भी, और मुझे लगता है कि भाषा पे जो चीज़ें, यही एक दो चीज़ मैं करना चाहती थी कि भाषा स्त्री भाषा पुरुष की जो बनी बनाई भाषा है उसके बरक्स स्त्री भाषा की भी जरूरत है, जिसमें स्त्रियाँ तमाम अपने सुख दुख को अपने तरीके से लिखे, उनको लगे कि हाँ उनकी भाषा से शब्द गढ़े गए हैं, उनके चीज़ों को रखा गया, साझा किया गया है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए जो मर्दवादी चीज़ है उसमें, कि कुछ उदाहरण भाषा पे कुछ है, जैसे स्कूल में ही देख लीजिए प्रधानाचार्य, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमको प्रधानाचार्य कर दिया गया, हमने कर दिया है। या फिर और भी, यहाँ मैं जब ज्वाइन की थी पूर्णिया विश्वविद्यालय तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा करती थी, सहायक प्राध्यापक प्राध्यापिका जो चीज़ है भी नहीं उसको आप जबरदस्ती गढ़ रहे हैं हाँ, अध्यक्ष अध्यक्षा, तो इसलिए इसको अंग्रेजी में तो खैर वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है, अंग्रेजी में इसलिए चेयरपर्सन और इस तरह से चीज़ें कर दी गई हैं, तो उसको फीमेल और मेल उसमें नहीं बांटा जाए, लेकिन भारत में अभी तक उतनी चेतना या उस तरह का भाषा के लिए भाषा पे उस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं, वैसा माहौल नहीं बन पाया है, या ये यूँ कह लीजिए कि हमने औरतों में अपने अधिकार को लेके उस तरह की चेतना अभी तक विभारत तलवारा के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो चेतना या वो एकता अभी तक नहीं बन पाई है औरतों में, तो उसकी भी जरूरत है कि आप अपने शब्द गढ़ें, पुरुष आपके शब्द गढ़ें, इससे बढ़िया है ना कि आप अपने लिए अपने शब्द को बने, लेकिन आप वैसे ना हो जाएं कि जैसा पुरुष कर रहे हैं स्त्री को, जैसे क्या है रखेल पुरुष को कहते हैं हम कभी, प्रभा खेतान है वो एक तरह से, आप अन्या से अनन्या पढ़ेंगे जो बच्चे जो भी हैं 15-16 बच्चे दिख रहे हैं मुझे जो भी हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप टेक्स्ट पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि प्रभा खेतान इतनी सशक्त महिला है कि वो डॉक्टर शराब के परिवार को एक तरह से चला रही है, पेरिस जाती है तो वहाँ भी ऑलमोस्ट वो अपने पैसे से जाती है, डॉक्टर साहब को भी ले जाती है, और एक बार डॉक्टर साहब उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि वो शायद $200 का कुछ एक सैंपल खरीद ली थी, उससे उन्हें लगा कि शायद उसके बिजनेस में ये सहायता करेगा, इस तरह का वो कॉपी करके वो भारत में बनाएंगी, तो डॉक्टर सदाब जो कि उनके लीगल पति भी नहीं है वो उनको छोड़ देते हैं रोड पे हैं। आप देखिए इसलिए कहा जाता है कि औरतों को पर्स से, सबसे पहले इसकी जो आज़ादी है ना आर्थिक आज़ादी शुरुआत यहीं से होगी, आप अपने अपना निर्णय खुद लीजिए, खुद निर्णय जब तक औरतें नहीं लेंगी तब तक वो जो स्वतंत्रता और ये वाली चीज़ है वो नहीं आ पाएगी। और दूसरा एक है कि स्त्री विमर्श में एक और मुद्दा है जो मुझे लगता है कि शायद इस पर थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है, एक दलित वाला मुद्दा कि स्त्री विमर्श में एक जिससे कि दो धारा दिखता है मुझे, एक सवर्ण महिला एक दलित वाला है,
जो दलित महिला है उसके दो तरह के, उसके साथ दो तरह की समस्या है भाई। एक तो वह दलित है, उसका समाज में जो उसके पति को जो देखना पड़ रहा है समाज में, या पति उसका घर से बाहर निकलता है तो उसे जिस तरह की समस्या आती है वो समस्या तो है ही उसके साथ। अगर वो बाहर निकलती है, कोई दलित महिला मान लो पढ़ी लिखी है, वो बाहर निकल रही है, तो समाज में जो एक दलित पुरुष को जो समस्या हो रही है वो समस्या तो दलित स्त्री को भी होगी, जातिगत वाला। और दूसरा, दूसरी समस्या स्त्री है। और यहाँ पे स्त्रियां हैं, स्त्रियों की शोषण करती है ये वाली चीज भी आती है कि जो भी दलित महिला के पैरोकार हैं या दलित महिला पे जिन्होंने बात किया है वो ये कहती हैं कि जो सवर्ण महिलाएं हैं तो उन्होंने क्या कहिएगा, उनको वो अधिकार या वो बराबरी का वो जो लहजा एक होता है ना, उस तरह से वो दलित महिला को उस तरह से नहीं देखती है। या मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण लड़की, या कोई ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, कोई ओबीसी की ही लड़की, ये भी बात खासकर महाराष्ट्र और साउथ में ये चीज़ बड़े मुखर रूप से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के जितने भी स्त्री चिंतक से मैं मिली हूँ तो उन्होंने JNU में हमेशा रिसर्च वगैरह के लिए आते जाते रहती थी, तो वो ये बहुत मुखर रूप से कहती थी कि जिस सवर्ण मानसिकता की बात आप करती हैं उस सवर्ण मानसिकता को ओबीसी जो है समाज है, ओबीसी समाज का एक धारा, खासकर आप कह लीजिए जो यादव जो सशक्त है इसमें, यादव है या कुर्मी है या पटेल जो भी हैं, तो ये लोग भी शोषण करते हैं दलितों का, और शायद उनसे ज़्यादा ब्रूटली करते हैं सवर्ण से, हाँ। और ये हिंदी पट्टी वाले समाज है कि इसे बहुत आगे से और जोर दे के रेखांकित करने की जरूरत है। हम हर दिन समाज में, तो जो यहाँ की दलित स्त्री है उसका दो दलित स्त्री अपने मुद्दे को उठाना चाहता है तो उसका दो तरह का शोषण हुआ, एक शोषण एक स्त्री है, दूसरा कि वो दलित स्त्री है। और जिस शोषण की सवर्ण समाज तो करता ही आ रहा था, ओबीसी समाज भी उसमें भागीदारी करता है। अभी देखिए ना आप, ओबीसी ज्यादा आपको ये अब सावन शुरू है कल से ना सोमवार, अब देखिए जो ये कोरोना के डर से हो सकता है कि कम करें लोग थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा कांवर यात्रा ओबीसी समाज ही करते हैं। पिछले बार NDTV पे ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन मुझे लगता है कि जितना समय आप जाया करते हैं कांवर यात्रा करने में उतना समय अगर आप पढ़ने लिखने में दीजिएगा तो आप अपने समाज को ज़्यादा चेतनशील बना पाइएगा, ज़्यादा सजग बना पाइएगा। और वो तो चाहते ही हैं जो आपसे कांवर यात्रा करवा रहे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि आपकी नज़र बस उस कांवर से आगे जाएगी नहीं, बैजनाथ धाम तक ही जाए। आपका दिमाग कोरोना है तो आप बैजनाथ धाम जाओ। आज क्यों नहीं आप कोरोना के समय जा रहे हैं बैजनाथ धाम? डॉक्टर छोड़ के जाइए, पूजा कीजिए, तो देखिए आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना? तो अभी डॉक्टर भगवान बने हुए हैं, वो फील्ड पे आके काम कर रहे हैं। जिस सरकारी अधिकारियों को, जिस सरकारी लोगों को गरियाते लोगों का दिन जाता था, मतलब जवान नहीं रुकती थी, आज वही सरकारी आदमी, मैं भी सरकारी, अगर मैं 2 घंटा आपके लिए बोल रही हूँ तो मैं इस बोलने के एवज में कुछ पैसे नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप किसी अंबानी के टाटा अजीज प्रेम जी कार्यालय के आपके लिए घंटा सेशन रखें, उस सेशन का जो आपका वो होगा ना पैसे, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये जो क्या कहते हैं चीजों को बेचने की जो वो बना हुआ है, या फिर उपनिवेश, इसको क्या कहिएगा, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर चीज को बेचा जाता है, हमारी संवेदना तक की भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कहने का मतलब ये जो दलित महिला का है उसपे बजरंग बिहारी तिवारी ने, हमारे सीनियर रहे हैं अभी प्रोफेसर हैं AMU में, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है उनका। और
और फिर गोपाल गुरु सोशल थिंकर हैं, उनको पढ़िए कभी, गोपाल गुरु को। उन्होंने दलित महिला पे किस तरह से चीज़ों को लिखा है, दलित महिला की समस्याओं को किस तरह से उजागर किया है, इन चीज़ों को आपको मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। एक दो उदाहरण मैं अगर आप कहेंगे तो मैं दे सकती हूँ। इसमें इस किताब का नाम है गोपाल, लेख है दलित विमेन टॉक डिफरेंटली, हाँ गोपाल गुरु ने लिखा है इसमें। तो उसमें उन्होंने सर बेबी कामली, शर्मिला, रेगे और इन तमाम तरह के लोगों का उदाहरण दिया है गोपाल गुरु ने। और एक एक लाइन है उसमें कि दलित स्त्रियां, ये अंग्रेजी में है ये आर्टिकल, हिंदी में शायद आपको पूरा वैसा का वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दलित वुमेन पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको वो आर्टिकल थोड़ा देखना चाहिए। दे फ्लो फ्री फ्रॉम द डोमेस्टिक टू द पब्लिक स्पेयर्स, गोपाल गुरु ऐसा कहते हैं, मतलब कि दलित स्त्रियां घरेलू से निर्वाध आवाजाही करती हैं। मतलब कि इस गोपाल गुरु का कहना है कि जो दलित स्त्रियां हैं, जो सवर्ण स्त्रियां हैं, उनका शोषण घर के चौखटे के अंदर होता है, वो शोषण दिखता नहीं है लेकिन वो सबसे ज़्यादा शोषित हैं। वो समाज में बोलती नहीं है, समाज में मुख्य रूप से सामने नहीं आता है, लेकिन उनके उनके साथ तो दोहरी मार है कि उनको बाहर भी कमा, घर भी कमाना है, अगर वो कमा भी रही हैं तो बाहर भी कमाना है, घर भी कमाना है, लेकिन जो पैसे हैं, पैसे का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, सारा वो जो सवर्ण स्त्रियाँ हैं उनके पुरुष ही, उनके घर के पुरुष ही करते हैं। और वो चाहते भी हैं कि ये चीज़ें, ये जो लिगेसी है इसको कोई तोड़ भी ना पाए, ये चीज़ें समाज में ऐसी ही बनी रहे। धूमिल कहते हैं ना, जब कविता में आप देखेंगे कि वो कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे, शासक और शोषित के दो चेहरे खाए जा सकते हैं। अगर धूमिल की नज़र से हम स्त्रीवादी, जो दलित वाले में कहा था कि तुम्हारे हाथ का, तुम्हारे आंगन का हाथी, कुछ इस तरह से था कि मतलब, और हमारे हमारे घर का छोटा पौधा भी मुरझा जाता है और तुम्हारा झूम के चलता है, इस तरह से, मतलब कि वो जो दिखाया गया था उम्र वाला भी कि आपको इतनी सहूलियत है कि जो हमारे माँ के उम्र की भी औरत है वो मेरी प्रेमिका, उसका झुर्रियाँ हैं, तो वो झुर्रियाँ बनती कैसे हैं? जो लोग कहते हैं ना, ये जो बाल मेरे सफ़ेद हुए हैं वो ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, ऐसे मेरे भी बाल सफ़ेद हैं, तो वो ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये धूप में सफ़ेद हुए, या धूप में सफ़ेद नहीं हुए, अनुभव से सफ़ेद हुए हैं, ये हमने अनुभव से, उम्र हो गई है। लेकिन एक वर्ग है जिसको कि इतनी सुविधा मिलती है, जो एसी से कभी बाहर निकलता ही नहीं है, तो उसका उसके शरीर पे उम्र का असर भी नहीं दिखता है। हाँ, जो मेवा और किशमिश जिसको खाने के लिए ये मिल रहा है और जिसको खाने के लाले हैं, आज कोरोना के समय में कौन सबसे ज़्यादा पीड़ित है? मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, मैं आपको कह रही हूँ, मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग, ये दो सबसे ज्यादा पीड़ित है। किसान फिर भी सुखी है बावजूद इसके कि ओले पड़े, बारिश हुई और सारी चीजें हुई, लेकिन ये जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग में हमारे आपके जैसे मध्य वर्ग नहीं है जिनको 70,000 रुपया मिल रहा है, भले ही कितने दिनों बाद मिले वो अलग बात है, लेकिन हमको मिल तो रहा है ना भाई, और मेरे दिमाग में है कि वो पैसे मिलेंगे। वो मध्य वर्ग जो कि 10,000 रुपये में एक स्कूल की नौकरी करता है, हमारे आपके बच्चे को पढ़ाता है, वो मध्य वर्ग तबाह है। 4 महीने से वो उसका स्कूल नहीं चल रहा है और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब उनको पैसे नहीं देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, और इस तमाम तरह की चीज़ें हमारे समाज में आ ही रही है। जब आप लोकल पेज पढ़ेंगे तो ये देखते ही रहते होंगे, किसी भी अखबार का लोकल पेज पढ़ लीजिए, ऐसे ही चीज़ों से भरा पड़ा रहता है। तो वो मध्य वर्ग तबाह है। आप सोचिए, 10,000 में मैं बेबी सीटर नहीं रख पाती हूँ, एक 10,000 में एक आदमी का घर चलता है,
पूरा का पूरा उसका घर चल रहा है, तो वो जब 4 महीने 5 महीने, कोई कितने दिन अपने सेविंग से चला लेगा, जब 4 महीने 5 महीने उसको पैसे नहीं मिलेंगे, 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो वो अपने घर को कैसे चलाएगा। यहीं पे आके शोषण और दमन का आपको रूप दिखेगा, तो दलित किस तरह से शोषित और दमित है हमारे समाज में। और धूमिल का नाम, तो और विमर्श में एक ये भी चीज आती है उठ के कि वो ही या जो स्त्री है वो ही स्त्री मुद्दे को उठाएं। 2-3 चीजों का क्या, और ज्यादा मैं आप लोगों को समय नहीं दूंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि एक, हालांकि इंटरव्यू में मैंने इस चीज पे झगड़ा भी कर लिया था, थोड़ा बहस हो गई थी मेरी इंटरव्यू से, कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि जाके पैर ना फटे में भाई, वो क्या जाने पीर पराए ये। तो इसमें और भी लोग जो लिख रहे हैं उनका आपको क्या लगता है कि वो कैसे लिख रहे हैं। तो मेरा भी मानना है कि जो स्त्री, जैसे मान लीजिए मैं स्त्री हूँ, या अन्य से नन्या जब आप पढ़ते हैं, या यही सच है उससे पढ़ते हैं, मैत्री पुष्पा की आत्मकथा पढ़ते, या कोई भी जो स्त्रियों स्त्री वाले मुद्दे पे कोई भी उपन्यास करते हैं, तो जो स्त्री जो खुद भोगती है चीज़ों को, उसके साथ जो खुद जिस चीज़ से वो रूबरू होती रही है बचपन से, वो चीज़ हम सुन के वैसा नहीं लिख सकते जब तक कि आप उन चीज़ों को महसूस ना करें। हाँ, सुनी सुनाई बातों पे उतनी संवेदना नहीं आएगी जितनी कि जो भोगा हुआ है। हो सकता है कि मेरा लिखने का तरीका बड़े स्कॉलर जैसा नहीं हो, जैसा कि बेबी हालदार, जैसे दलित लेखिका है बेबी हालदार और इन लोगों ने लिखा है, या जूठन आप पढ़िए ओम प्रकाश वाल्मीकि का, या और भी जो तमाम दलित लेखक लिख रहे हैं अपने बारे में, या स्त्रियां जो लिख रही हैं। पहले तो स्त्रियों के लेखन को ही खारिज किया जाता रहा, तो दलित स्त्री की तो बड़ी स्त्रियों के लेखन को ही खारिज कर किया जाता रहा कि अरे ये लोग तो बस संवेदना वाली चीज लिखेंगे, प्रेम मोहब्बत कर ले आलोचना वालोचना तो इनके बूटे की बात नहीं है। हाँ, इनका दिमाग तो एक तो बड़ा वो है कि इनका दिमाग घुटने में होता है, स्त्रियों का दिमाग तो जहाँ भी डिसीजन मेकिंग वाली बात होगी तो, अच्छा, जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात होगी वहाँ स्त्रियों को हटा दिया जाता है। हाँ, मर्द घर में बैठ के डिसीजन लेंगे, तो जो भी चीज़ है इस तरह की चीज़ें। मुझे लगता है कि दलित मुद्दे पे मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया। एक चीज़ मैं और जोड़ना, गोपाल गुरु ने जो बेबी हलदार सब के बारे में लिखा था कि वो बहुत आराम से अपने घर से बाहर तक की यात्रा का वो सफ़र तय करती हैं। ये चीज़ मुझे लगता है और भी लोगों को लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। दलित स्त्रियों को भी अपने घर में उसी तरह की तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह की चीज़ों से वो भी मतलब उनके जीवन में भी उस तरह की चीज़ें घटित होती हैं जो कि एक सवर्ण स्त्री या जो एक मध्यवर्गीय स्त्री होती है। मतलब कि अगर एक स्त्री का शोषण, सवर्ण स्त्री का शोषण उसके घर में होता है, तो वही पुरुषवादी मानसिकता कहीं ना कहीं दलित पुरुषों में भी है और धीरे धीरे आ गया है। वो चीज़ें थी कि खेत पे जो काम करते थे या मजदूर वर्ग है उनका कुछ छोड़ दें, तो जो थोड़े से खाते पीते दलित वर्ग हैं, दलित उनका जो पुरुष है उनकी भी मानसिकता करीब करीब ऐसी ही है, स्त्रियों को दबाने वाली। वो पी के आएंगे, जितना भी कमाया वो जाएंगे शाम में पी लेंगे फिर आएंगे, पीने के बाद तो औरत ऐसे भी एक मतलब उनके लिए वस्तु के रूप में हो जाती है। तो बेबी हालदार के साथ भी यही होता है, वो इंटरव्यू में बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि उनके पति भी पर हाथ उठाते थे, उनके पति भी उनको पीटा करते थे छोटी छोटी बातों पे। जैसे एक बार वो बता रही है कि वो कहीं पे इंटरव्यू देने जा रही थी या किसी सेमिनार में भाग लेने जा रही थी अपने पति के साथ, तो रेलगाड़ी पे कुछ लड़कों ने उनको घूरा, और सिर्फ इस घूरने के लिए उनके पति ने उस पर हाथ उठा दिया। वो वहाँ सेमिनार करने जाती हैं, फिर आने वाले क्रम में भी वो उन पर कई बार लात घूसों से और हाथ भी उठाते हैं, मतलब जो भी है एक तरह से हाथ उठाने की चीज़ें उनके साथ भी घटित होती हैं। तो फिर उनसे जो भी इंटरव्यू ले रहा था फॉरन जो विदेश का वो
पूछता है कि ठीक है आपके साथ ऐसी घटना आपके पति ने की या करते रहे हैं, तो फिर जो आपने आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा में आपने इन चीजों को क्यों नहीं उठाया, इन मुद्दों को क्यों नहीं? उनका कहना है कि हमने इन मुद्दों हमारे लिए रोज की बात है, ये हमारे साथ होता ही रहता है। तो मतलब समाज के लिए ना ये कोई नई चीज नहीं है, कोई जैसे के वैसा नहीं, कुछ अलग नहीं कर दिया, क्योंकि सब पीट रहे हैं, सबके पति एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं। तो बेबी अलग करने की मुझे लगा कि इस पीटने पिटाने वाली बात या व्यक्तिगत बातों को छोड़ के मुझे लगा एक सामाजिक स्तर पे, एक समाज के रूप में हमारा किस तरह से शोषण हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही है, उन चीज़ों को हम प्रमुख रूप से उजागर करें। तो मेरा कहने का एक यही आशय था कि जो गोपाल गुरु ने उन्होंने जो लिखा है जो दलित डिस्कोर्स में, तो वहाँ भी जो दलित पढ़ लिख भी गए हैं, अब एक दलित ब्राह्मण की भी बात होती है, शरण कुमार लिम्बाले ने लिखा है कि दलितों में भी एक वर्ग का अब उभार हो रहा है, जो दलित पढ़ लिख गए हैं, आरक्षण मिला, और आरक्षण बुरी बात नहीं है, मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो भी बड़े पदों पे चले गए वो अपने समाज, जो पे बैक टू सोसाइटी वाली बात होती है ना, तो वो चीज़ नहीं है। और दलित भी जिस शोषण से उठ के गए वो शोषण वो भी अपने समाज का कर रहे हैं। बहुत सारे दलितों को भी मैं देखी हूँ कि जो जिस चीज़ की वो स्टेज पे बुराई करते रहते हैं, कि एक शिक्षक के रूप में या एक प्रोफेसर के रूप में, पहले ये कहा जाता था ना कि शिक्षक का प्रोफेसर का खासकर समाज में वो बना हुआ था कि जो उनके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं वो तो बस उनका डोमेस्टिक काम वगैरह करवाया करते हैं। तो वो डोमेस्टिक काम अगर एक जो चेतनशील दलित प्रोफेसर या मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग का प्रोफेसर बन जाता है, और वही चीज आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, तो फिर आप जिस चीज़ के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी उस खिलाफ के वक्त आपने क्या समाज को दिया, जिस समाज ने आपके लिए इतना किया उस समाज को आपने क्या रिटर्न किया? आप भी वही चीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने तमाम तरह की चीज़ों, हर मुद्दे को छूने की कोशिश की है, दलित स्त्री वाले मुद्दे पे, चाहे वो आत्मकथा हो या उपन्यास के क्षेत्र में, या महादेवी वर्मा जी ने क्या कहा है, और अनामिका ने क्या कहा है, वीरपाल तलवार ने क्या कहा है, या गोपाल गुरु ने, या जो मुझे अपने जीवन से लगा कि आप लोगों के भी साझा करने चाहिए वो मैंने साझा किया। हो सकता है कि मैं कुछ हद तक अपनी बात को ठीक ठाक रख पाई हूँ आप लोग के सामने, और आप लोग को कुछ ठीक लगा हो, बाकी बातें बाद में होंगी। आप तमाम दर्शकों का, तमाम विद्यार्थियों का शुक्रिया।